संबल में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी ने जनपद मुख्यालय पर तैनात जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कराया है। पीड़ित व्यापारी ने जिला विज्ञान सूचना अधिकारी संजय शर्मा पर अपनी बहन को प्रेम जाल में फंसाकर सुसाइड करने के लिए उकसाने समेत कई संगीन आरोप लगाए हैं। पुलिस को अपनी तफ्तीश के दौरान जिला विज्ञान सूचना अधिकारी के ऐसे तमाम व्हाट्सएप चैट हाथ लगे हैं जिसमें जिला विज्ञान सूचना अधिकारी संजय शर्मा पीड़ित व्यापारी की बहन को सुसाइड के लिए उकसा रहा है। यही नहीं, एक चैट में आरोपी संजय शर्मा 25 लाख कैश का इंतजाम करने की बात भी कह रहा है। फिलहाल केस दर्ज होने के बाद आरोपी जिला विज्ञान सूचना अधिकारी फरार है। मामला जनपद के बेजोई थाना इलाके का है। बेजोई कस्बे के इलेक्ट्रॉनिक आइटम शोरूम के मालिक रवि गुप्ता का आरोप है कि जनपद मुख्यालय में जिला विज्ञान सूचना अधिकारी संजय शर्मा ने उनसे करीबी बनाकर कुछ समय पूर्व 2 लाख की रकम उधार ली थी। जब उन्होंने संजय शर्मा से उधारी दी गई रकम वापस मांगी तो उधार की रकम वापस देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, जिला विज्ञान सूचना अधिकारी संजय शर्मा ने उनकी बहन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उससे व्हाट्सएप चैट के जरिए लाखों की रकम की मांग के साथ उनकी बहन को सुसाइड के लिए उकसाने लगे। पुलिस ने व्यापारी रवि गुप्ता की तहरीर पर जिला विज्ञान सूचना अधिकारी के खिलाफ धारा 420, 442, 506, 120 बी के तहत केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में जिला विज्ञान सूचना अधिकारी के 500 से अधिक व्हाट्सएप चैट हाथ लगे हैं। इन व्हाट्सएप चैट में संजय शर्मा व्यापारी की बहन से 25 लाख का इंतजाम करने व सुसाइड के लिए कह रहा है। फिलहाल जिला विज्ञान सूचना अधिकारी संजय शर्मा फरार है। एसपी यमुना प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि बेजोई थाना इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारी रवि गुप्ता द्वारा जिला मुख्यालय पर तैनात जिला विज्ञान सूचना अधिकारी संजय शर्मा पर जान से मारने की धमकी देने व धोखाधड़ी समेत अपनी बहन को प्रेम जाल में फंसाकर सुसाइड के लिए उकसाने के संगीन आरोप लगाते हुए बेजोई थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हमारे पहले पैसे थे संजय शर्मा जी, क्या है संजय जी? संबल में NIC में DIO के पद पर इस समय हैं, और उन्होंने वो जो एक पैसे ना देने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसमें उन्होंने मेरी बहन को अपने प्रेम जाल में फांस के उसका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके, और उससे ये हमसे ये कहा जा रहा था जब पैसे मांगे जा रहे थे कि जो है अब तेरी बहन हमारे कब्जे में है और जैसा हम चाहेंगे वैसा हो। क्या आपको कोई उन्होंने जान से मारने की धमकी जैसा कि आपने जी इनकी ये पूरा षड्यंत्र मेरे संपत्ति हड़पने के लिए और मिलके घर वालों की जो घर का पैतृक सोना है वो सब हड़पने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसकी जानकारी मुझे इनकी आपस में हुई व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू मुझे पता चला। सर आपने आरोप लगाया है कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या जी? वो इन्होंने पैसे ना देने के एवज में कि मैं अपनी मैंने ये लिखा है उसमें कि इन्होंने ये हमें धमकी दी कि आपकी बहन को मैं सुसाइड करा के आपको आपके ऊपर मुकदमा भी दायर करवा सकता हूँ। अब आपकी ओर से क्या मांग रहा हूँ अधिकारियों से? जी अधिकारियों से मेरी यही मांग है कि ये ऐसे आदमी के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई। कल दिनांक 22/9/20 को वादी श्री रवि गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री सर्वेश कुमार गुप्ता निवासी बैजोई पुराना डाकखाना थाना बैजोई जनपद संभल की तहरीरी सूचना के आधार पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय शर्मा हाल निवासी NIC कंपाउंड जिलाधिकारी कार्यालय जनपद संभल के विरुद्ध वादी से धोखाधड़ी बदनीयती से 2 लाख रुपये ले लेने पर वापस न करने एवं वादी की चल अचल संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचना एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बैजोई पर मुकदमा अपराध संख्या 465/20 धारा 420 422 120 बी 506 IPC पंजीकृत कर किया गया है जिसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।